हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी एसन। अभी हम देखेंगे इंक्रीज इन ह्यूमन लियोपार्ड कॉन्फ्लिक्ट। ओके, सो आदमी एंड जानवर के बीच में जो है कॉन्फ्लिक्ट ये लगा देता है। सो अभी रिसेंटली एक स्टडी हुआ है, इसका जो स्टडी का रिपोर्ट है इसको हम डिस्कशन करेंगे। सो बेसिकली ये हमारे जो UPSC एंड PCS का जो कि GS पेपर 3 में कवर अप होता है। सो दिस टॉपिक इज इम्पोर्टेंट फॉर द UPSC IAS PCS SSC के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सो चलिए देखते क्या है। सो रिसेंटली एक स्टडी हुआ है जो कि कंडक्टेड हुआ है, कहाँ पे? ना कर्नाटक में। सो इसमें मिला है कि ह्यूमन लियोपार्ड जो कि जो कन्फ्लिक्ट है, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। सो ह्यूमन लियोपार्ड एक पॉलिसी है जो कि गाइडलाइंस है, उसके हिसाब से लिटिल इम्पैक्ट ऑन ग्राउंड एंड इट हैज नॉट टू डिक्रीज। अभी क्या है ना, ये डिक्रीज नहीं हो रहा है, ये इंक्रीज हो रहा है। ओके, ह्यूमन एंड लियोपार्ड के जो कि संघर्ष है। सो गाइडलाइंस में लिखा है कि फॉर ह्यूमन लियोपार्ड कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, ठीक है, वो ब्रॉट आउट बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द अप्रैल 2011 में लाया था, जो कि ह्यूमन लियोपार्ड कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। सो टू रिड्यूस द कॉन्फ्लिक्ट विथ लियोपार्ड, सो ये जो गाइडलाइंस जो कि मैनेजमेंट लाया था, सो ये जो मैनेजमेंट का काम क्या था ना, ये जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है ह्यूमन एंड लियोपार्ड के, इसको डिक्रीज करने का, रिड्यूस करने का। सो डिस्करेज देयर ट्रांसलोकेशन सजेशन, जो कि सजेस्ट इम्प्रूव्ड वे ऑफ द हैंडलिंग इमरजेंसी कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन, इसका काम है। सो फाइंडिंग ऑफ स्टडी, इस स्टडी में क्या मिला है? सो द नंबर ऑफ लियोपार्ड्स कैप्चर्ड पर द मंथ इंक्रीज मोर देन द 3-fold। ओके, सो फ्रॉम द 1.5 टू 4.6 सिंस द 2011, एंड सिमिलरली देयर वॉज अ 3-fold इंक्रीज इन द नंबर ऑफ लियोपार्ड्स इन ट्रांसलोकेटेड पर द मंथ। सो आप लोगों ने देखा होगा न्यूज़पेपर में बहुत बार देता है कि लियोपार्ड ट्रांसलोकेटेड। ट्रांसलोकेटेड क्या होता है ना, एक जगह से दूसरी जगह वो ट्रांसफर करते हैं। सो ट्रांसलोकेशन जो कि है इज द मैनेज मूवमेंट ऑफ लाइव इंडिजिनस प्लांट्स और एनिमल्स फ्रॉम द वन लोकेशन टू द अनदर, दिस इज द ट्रांसलोकेशन। सो ये रीजन्स क्या है फॉर द कैप्चरिंग एंड ट्रांसलोकेशन ऑफ द लियोपार्ड? सो ये तो कुछ तो रीजन होना चाहिए, सो दैट ये जो लियोपार्ड है उनको ट्रांसफर करते हैं, जो कि ट्रांसलोकेशन करते हैं, क्या है ना, एक तो हो गया लाइफ जो कि लाइफ स्टॉक डिप्रेडेशंस, लियोपार्ड्स रेस्क्यूड फ्रॉम द स्नेक्स एंड द वेल्स, एंगजाइटी कॉज्ड ओइंग टू द लियोपार्ड साइटिंग्स इन द ह्यूमन हैबिटेशन एरिया में, जो कि दिखाई देता है। सो उस टाइम में उसको क्या है ना, ट्रांसलोकेशन करते हैं। सो लियोपार्ड्स एंटरिंग द ह्यूमन ड्वेलिंग्स, देन ह्यूमन को इंजोर करते हैं, ह्यूमन को डेथ करते हैं। सो इसके वजह से ये जो है, सो इसके वजह से क्या आता है ना, इनको ट्रांसलोकेशन करते हैं। सो कॉमन लियोपार्ड के बारे में देखेंगे। सो इसका जो साइंटिफिक नेम है पंथेरा पाडूस, हैबिटेशन कहाँ पे? इट ऑक्यूर्स इन द वाइड रेंज इन द सब सहारान अफ्रीका में मिलता है, स्मॉल पार्ट ऑफ द वेस्टर्न एंड सेंट्रल एशिया में मिलता है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में मिलता है, एंड साउथ ईस्ट एंड ईस्ट एशिया में मिलता है। सो इंडियन लियोपार्ड दैट इज द पंथेरा पाडूस फुस्का, ओके, सो इज द लियोपार्ड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट में मिलता है। सो थ्रेट्स देखेंगे, सो इसका जो हैबिटेट है ये लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन है ड्यू टू द पोचिंग फॉर द इलीगल ट्रेड ऑफ द स्किन्स एंड बॉडी पार्ट्स एंड प्रोजिक्यूशंस ड्यू टू द कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन। सो इनका जो जो जाति है ये रिड्यूस होने का, ये क्या होता है ना, इसको इलीगली पोचिंग करते हैं, जो कि लियोपार्ड देता है इसका जो स्किन है, बहुत सारा जो कि मेडिसिन एंड बहुत सारा जो होममेड के लिए यूज होता है, एंड बॉडी पार्ट्स भी मेडिसिन के तौर पर यूज होता है। सो कंजर्वेशन स्टेटस नहीं है, IUCN रेड लिस्ट में वल्नरेबल है, एंड साइट्स में अपेंडिक्स 1 है, इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 शेड्यूल 1 में आता है। सो दैट्स एंड थैंक यू।